प्रदेश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। पहले चरण की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, दूसरे चरण की प्रक्रियाएं जो है वो जारी है। इस वक्त हमारे साथ शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम है, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ इसमें चल रहा है। अच्छी शिक्षा देने की नीयत से 2009 से ये जो प्रक्रिया है वो चल रही है प्रदेश में। वर्तमान में पहले चरण की प्रक्रियाएं जो है वो पूरी हो चुकी है। RTE के तहत स्कूलों में 25% बच्चों को प्रवेश देने की नियम में प्रावधान है। उसके तहत अभी प्रथम चरण में लगभग 1,08,070 आवेदन पत्र आए, सीट है हमारे 53,840। तो प्रथम चरण में जो लॉटरी निकली है उसमें भर्ती प्रवेश जो मिला है उसमें 39,498 की प्रवेश बच्चों को वहाँ पे दिया गया है। दूसरे चरण की जो प्रक्रिया होगी वो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होगी, उसके बाद उसमें लॉटरी निकाला जाएगा और जो शेष जो प्रवेश के लिए वंचित हैं उनको उसमें मौका मिलेगा। तो बिल्कुल, जो वंचित सीट्स जो अभी बचे हुए सीट्स हैं उस पर दूसरी प्रक्रिया में जब लॉटरी निकलेगा तो लोगों को मौका दिया जाएगा। देखने वाली बात यही होगी कि कब तक ये प्रक्रिया जो है वो पूरी होती है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ स्वाति कौशिक, स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से।